इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो बेलगाम शहर और अतराफ में ईद मिलाद बड़े जोश खरोश के साथ मनाई जाती है, पर इस साल कोरोना आलमी वबा के मद्देनजर कुछ पाबंदियां ऐद की गई है, जिसमें जुलूस की भी इजाज़त नहीं दी गई है, बड़े इजलासों पर भी पाबंदियां ऐद की गई है। लिहाजा बेलगाम मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारों ने आज ACP दफ्तर पहुंचकर महदूद तादाद के साथ जुलूस की इजाज़त तलब की। जिन्ना चौक में पिछले कई सालों से परचम रिसाई को ईद मिलाद में अंजाम दिया जाता है, शहर के मारूफ शख्सियतों की मौजूदगी में इसे अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद जुलूस की शुरुआत होती है। तमाम जमातों की जानिब से गुजारिश की गई कि परचम रिसाई की इजाज़त दी जाए, क्योंकि यह परचम रिसाई की रस्म काफ़ी पुरानी है। किसी तरह का वादा तो इंतज़ामिया ने नहीं किया, पर परचम रिसाई पर कमिश्नर बेलगाम के साथ मशवरा करके फैसला सुनाने की बात कही गई। मुतालबा यह किया गया कि कुछ ही अफराद ईद मिलाद का फ्लैग होस्टिंग यानी परचम रिसाई को अंजाम देंगे। इंतजामिया ने कोरोना आलमी वबा के मद्देनज़र तमाम त्योहारों पर पाबंदी लगा दी है। किसी भी मजहब धर्म भाषा का त्योहारों को इसे हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा ACP चंद्रप्पा ने बताया। इस वक्त मुफ्ती मंजूर मिसबाही साहब, मुश्ताक शेख, अजीम पटवेगार, हाफिज नज़ीरुल्लाह, एडवोकेट चांचा वाले, अताउल्ला देसाई, सलाउद्दीन तोरगल, सलीम मुल्ला, मोहम्मद रसूल पिरजादे और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह उसका हम पालन भी करें, और जो भी गाइडेंस ये भी है, साथ साथ शॉर्ट से शॉर्ट मुख्तसर से मुख्तसर कुछ ऐसा प्रोग्राम करके, ताकि हमारी ये भी बाकी भी रहे और इस पर हम अमल भी करते। ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ಸ್, ಪೂರ ಬೆಳಗಾವಿನವರು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿನವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಸದ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೆರವೇರಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನ ಜುಲೂಸ್ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ। ಪಡೆದು ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೋರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಸೇರುವುದು, ಹೊರಗಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಷೇಧಿಸಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು। ದುವಾ ಕರ್ತೆ ಅಸದ್ ಕಾ ದರ್ಗಾ ಮೇ ಹೋಗಿ ಔರ್ ಜೋ ಲಂಗರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತೋ ಹಮೇ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ, ಉನ್ಹೋ ಬೋಲೇ ಲಂಗರ್ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ, ಜುಲೂಸ್ ನಹೀ ನಿಕಲ್ ಸಕ್ತೆ, ಔರ್ ಯೇ ಏಕ್ ಸಾಲ ಕಾ ಉತ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಇಸ್ ಸಾಲ ಉತ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಹರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋ ಕೌನ್ ಸಾ ಭೀ ತ್ಯೋಹಾರ ಹೋ उसमें हमें रोक लगाया जाए। किसके लिए है? पुलिस के लिए नहीं है, हमको क्या बंदोबस्त देते हैं, हो जाता है एक दो तीन घंटे में हो जाता है। अंबेडकर जयंती टोटली बैन हो गई, महावीर जयंती बंद है, अल्लाह पूर्ति अंदर ऐद जन कूड़े नु पूजे मारले ना पूर्ति ने बैन मार दिया। और इसमें है देखो परंपरा पूछ रहे, परंपरा क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं। उन्होंने बोले सो है मस्जिद में अंदर दुआ कर सकते हैं सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस रखें, और जहाँ दरगाह में असद का दरगाह में जहाँ दुआ होती है वहाँ थोड़े लोग जाके दुआ कर सकते हैं,